हे गाइस नमस्ते, मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत सारे ऐसे कोरोना पेशेंट होते हैं जिनका कि मुंह का स्वाद चला जाता है, और फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती है और फीवर तो रहता ही है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं ऐसे कारगर उपाय के बारे में जिससे कि आपका जो भूख है 1 से 2 दिन में बहुत ज़्यादा लगने लगेगी और आपका जो मुँह का स्वाद है वो भी जल्द वापस आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, आप लोग तो नींबू के फ़ायदे से परिचित ही होंगे, लेकिन आज नींबू के इस उपचार के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा रियली में जो है इफ़ेक्टिव है और फिर बहुत ही ज़्यादा जो है कारगर उपाय है। आप अगर 1 से 2 दिन करेंगे तो रियली में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। और ये जो है मैंने खुद पर ट्राई किया है, मैं भी, मेरा जो ये सबसे पुराना और फेवरेट नुस्खा है क्योंकि ये जो है मेरे घर से मैं बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये मेरी दादी जब मुझे कभी भी फीवर रहता था या फिर सर्दी जुकाम खांसी इस टाइप के कुछ भी अगर मुझे होता था तो दादी जो है मुझे ये बना करके देती थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। मैं बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, मैं खुद बना करके आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग एक नींबू लेंगे, उसे किसी भी तरह से काट लेंगे, जैसे कि गोल शेप में काट सकते हैं आप या फिर आप लंबा शेप में, किसी भी तरह से आप उसे काट लें। इसके बाद उस पर आप जो है हल्दी लगाएं, इसके बाद जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप जस्ट जो है काली मिर्च को क्रश करके उसके ऊपर लगा सकते हैं, और फिर हल्दी लगा करके उसको जो है धीमी आंच पे तावा या फिर गैस पे आप रख के उसे गर्म कर लें और इसके बाद उसे खाएं। अगर आप ये दिन में 3 बार करते हैं तो आपका मुंह का जो स्वाद है वो 1 से 2 दिन में वापस आ जाएगा। साथ ही अगर आपको टाइफाइड है, फीवर है, सर्दी खांसी है, इन सब चीज़ों में भी ये रामबाण उपचार की तरह काम करता है और आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगी, और साथ ही अगर आपके पेट की कोई भी गड़बड़ी है उसे भी यह ठीक करेगी। यह जो है जाना माना पुराना नुस्खा है, शायद आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कि ये सारी चीज़ें पता होगा। हम लोग बात करें अगर कोरोना की, तो कोरोना में भी यही सारे सिम्टम्स होते हैं, फीवर होते हैं, सर्दी होते हैं, जुकाम होती है, भूख नहीं लगती है, मुंह का स्वाद चला जाता है। इन सभी चीज़ों के लिए जो है ये नुस्खा जो है, ये उपचार जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर है। आपको ये ज़रूर करना चाहिए, आप करके देखिए, रियली आपको फ़ायदा होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं ज़रूर करती हूँ। चलिए आप लोग के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाई, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। चलिए अब इसे हम बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले एक नींबू लेकर के हम इसको गोल से कट करेंगे, ठीक है। हमारा नींबू, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे, ये रहा हमारा सेंधा नमक, अब लग चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी, हल्दी को इस पर अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह से एक लेयर डालेंगे। इसमें हमने हल्दी लगा दिया है, अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, ये रहा हमारा काली मिर्च, अब हम इस पर काली मिर्च अच्छे से लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से एक डैब इसको कर देंगे। शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, शायद देखा भी होगा और खाया भी होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ इसे हम कैसे पकाते हैं, ठीक है। इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। हाँ, अब हम इसका फ्लेम जो है लो करेंगे, नहीं पहले इसको हम गर्म कर लेते हैं, ठीक है। आप इस तरह का कुछ भी इस पे डाल सकते हैं या फिर सिर्फ गैस पे भी रख के पका सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो, या फिर आप तवा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये अवेलेबल है तो हम अभी इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आओ मम्मी। ओह गॉड, थोड़ा सा फ्लेम लग गया, बट ये गलती आप मत कीजिएगा क्योंकि मैंने हाथ से दिया ना उठा करके, इसलिए थोड़ा सा लग गया। आप ना इसे चिमटा से अप करके रखिएगा। अब आप लोग इसको देखिए कि ये किस तरह से उबल रहा है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इससे ये थोड़ा थोड़ा ये जो है अच्छे से पक रहा है। इसको उबलने देंगे हल्का हल्का, आप इस तरह से देख सकते हैं इस पर किस तरह से वो हो रहा है हमारा, ठीक है। ये अच्छे से ना उबाल आने लग रही है, छोटा 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 जो आप देख रहे हैं ना, ये चक 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 जो भी है, ये जो हो रहा है, हाँ खदक रहा है ना। इसको ना हम लोग गांव में ना इसको खदकी भी कहते हैं। अब ये बनके तैयार है, अब आप इसे खा सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।